गोइंग टू लर्न. चैट बोटिंग हमारा हुआ तो नहीं था चेतन जी, चैटबोट हमने सीखा नहीं अभी तक. नहीं, चैटबॉट नहीं किया है, नहीं किया है सर। नहीं सर. चलिए चैटबोट करते हैं आज, और मैं इसका थ्योरी बहुत जल्दी से करा दूंगा, फिर प्रैक्टिकल को देर तक करेंगे. सो चैटबोटिंग व्हाट्सएप की एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जो आपको ऑटो रिस्पॉन्ड, कस्टमर्स की क्वेरीज को ऑटो रिस्पॉन्ड करने के काम आती है. ये आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, ये टाइम सेविंग मशीन है, और इससे पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट हो सकता है, ऑनलाइन स्टोर भी इंटीग्रेट हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे चैटबोटिंग मशीन हैं जिसमें पेमेंट गेटवे और ये आपका ऑनलाइन स्टोर और चैटबोट तीनों इकट्ठे हो जाते हैं. कुछ अलग अलग एप्लीकेशन हैं, चैटबोट ही होता है अलग से, पेमेंट गेटवे अलग होता है, ऑनलाइन स्टोर अलग होता है. तो हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं. आज हम सीखेंगे व्हाट्सएप चैटबोट होता क्या है, काम कैसे करता है, और हम कैसे उसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और अगर पेड वर्जन लेना है तो पेड वर्जन को हम कैसे लेंगे. चैटबोट होता क्या है, सिंपली इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू मेक कन्वर्सेशन विद ह्यूमंस स्पेशली ओवर द इंटरनेट थ्रू व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप के थ्रू जब हम व्हाट्सएप के क्वेरीज को, कस्टमर्स की क्वेरीज को, इनकमिंग क्वेरीज को जब हमारा एआई सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड कर दे, वो हमारी बोटिंग कहलाती है. द वे जैसे हमारे रोबोट होते हैं, रोबोट डज द थिंग विच आर मैकेनिकली डिजाइंड, यानी हाथ से करना, कोई एक्शन लेना हो तो रोबोट काम करता है, वहीं ऑटोमेटिक चैट करनी हो तो वो जो ऑटोमेटिक एआई चैट मशीन है उसको हम चैट बोट बोलते हैं. बोट का मतलब ऑटोमेटिक काम करने वाला एक सिस्टम. और व्हाट्सएप की टर्म में जब हम उसे यूज़ करते हैं तो ये ह्यूमन कन्वर्सेशन को, जो चैट पे आपका ह्यूमन कन्वर्सेशन है उसका कुछ पार्ट ऑटो पर शिफ्ट कर देता है. किसी ने हाय लिखा और आपने अपना एक विजिटिंग कार्ड, डिजिटल विजिटिंग कार्ड उसको भेज दिया. उसको पर्पज, अगर कोई नया आदमी पहली बार आपके सिस्टम में, आपके व्हाट्सएप पर कोई चैट भेजता है तो आपको फट से आपका सिस्टम उसे एक विजिटिंग कार्ड भेज दे, ये आपकी चैटबोटिंग प्रोसेस कहलाएगी. ये एक असिस्टेंट होता है जो कम्युनिकेट करता है टेक्स्ट मैसेजेस को. आजकल आप बैंक के साथ, ई कॉमर्स कंपनीज के साथ चैटबोटिंग कर सकते हैं. आप जब भी उनके साथ कोई चैट डालोगे वहाँ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आने शुरू हो जाते हैं. आप 24 घंटे, 360 दिन कभी भी डालो, बड़ी कंपनीज सब ने अपने चैटबोटिंग व्हाट्सएप पर इंटीग्रेट कर दी हैं. ये एआई के साथ एंगेज करती है लोगों को. और होता क्या है, सिंपली मान लिया हमने एक असिस्टेंट बिठाया ऑफिस में, फ्रंट ऑफिस पे, और उसको कहा आपको जितने कस्टमर आने हैं उनको रिप्लाई करना है, पोलाइटली रिप्लाई करना है, और ये बातें बतानी है. तो महीने दो महीने में जब आप देखेंगे कि वो जो नया आदमी आया था उसका माइंड प्रोग्राम हो गया है आपके सिस्टम के लिए. अभी जब वो पहले कहीं नौकरी करता था तो उनके सिस्टम के लिए प्रोग्राम था. अब जब उसका ओरिएंटेशन हुआ ऑनबोर्डिंग के बाद, तो अब वो आपकी तरफ से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो आपके आने वाले कस्टमर्स को आपको जो क्वेश्चन आपका बिजनेस रिप्लाई करना चाहिए वो कर रहा है. तो क्यों हुआ, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसे फिट कर दिए या उसने कर लिए, उसकी ट्रेनिंग हो गई. द सेम वे अगर हम कुछ स्पेसिफिक रिपीटेटिव क्वेश्चंस के आंसर्स को अगर एआई में स्टोर कर दें एक सिस्टम पे, और अगर वही आंसर, वही क्वेश्चन या उसके सिमिलर क्वेश्चंस अगर कोई कस्टमर पूछता है, कोई क्वेरी आती है, कोई प्रोस्पेक्ट्स पूछता है, कोई इंटरेस्ट आता है, तो वो ऑटोमेटिक उसका आंसर दे देगा. बस इतनी सी तो बात है. तो ये वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है. तो आप क्या कर सकते हैं, जो रिपीटेटिव टास्क हैं चैटिंग में, हाय का जवाब देना, आपका प्रपोजल भेजना, डिजिटल कार्ड भेजना, इवेंट के आपको इनविटेशंस भेजने, या कुछ स्पेसिफिक बिजनेस क्वेरीज को रिप्लाई करना, आपका इवेंट कब है, आपका ऑफिस कहाँ है, उसके लिए वो नेविगेशन प्लान भेजना, आप कब कब ऑपरेट करते हैं, किस टाइम ऑपरेट करते हैं, आपकी वेबसाइट क्या है, आपकी बिजनेस क्या है, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं,
आपकी टीम क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये सारी बातें अगर आप लिख के सिस्टम को समझा दो तो वो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक आंसर देता रहेगा। तो ये अब इसमें क्या हुआ, आपका एक आदमी बच गया, आपका टाइम एंड एनर्जी बच गया। अगर आप अकेले ऑपरेट करते हैं तो आपका कुछ काम एआई पे शिफ्ट हो गया। तो आप ऐसे करके चैटबोटिंग कर सकते हैं, आप अपनी व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप अकाउंट आपका करने के लिए इसके लिए पूरा कैपेबल है। अभी व्हाट्सएप पर किस तरीके के आप बोट्स लगा सकते हो, अब ये चार तरीके के बोट हैं। एक एप्लीकेशन बोट होता है, यानी अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में लगा दिया जहाँ लोग भर्ती होते हैं, तो वहाँ लाखों एप्लीकेशन जा रही होती हैं naukri.com से, उन एप्लीकेशंस में से सॉर्टिंग करनी होती है। अगर पैरामीटर डाल दो तो एआई उसको शॉर्ट कर देगा, सॉर्ट करके अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करेगा तो उन लोगों को इनविटेशन भी भेज देगा, उनकी स्क्रीनिंग कर देगा, यानी बहुत सारा काम वो ऑटोमेटिक कर सकता है। बिजनेस कार्ड बोट, यानी आप अपने बिजनेस कार्ड भेजना है तो वो आप बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। सेल्स बोटिंग में क्या होता है, जैसे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में इसे क्या करोगे कि आप अपने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का टाइम है वो बहुत बचा सकते हो, छोटी मोटी क्वेरी शिफ्ट कर सकते हो इसमें आंसर करने के लिए। जब बहुत ही बड़ी कोई क्वेरी हो, डिफरेंट हो, तो वो ह्यूमन कन्वर्सेशन के लिए जाए, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक बोटिंग मशीन आपके ठीक कर सकती है इस मामले को। कंपनी बोट, कंपनी बोट होता है जहां आपस में रिकॉर्ड्स या लेटर्स या कम्युनिकेशंस फाइल्स ट्रांसफर करनी हो तो वो इंटरनल कंपनी में वो भी बोटिंग मशीन कर सकती है। तो इतने काम बोटिंग मशीन से हो सकते हैं। अब ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर हम क्या कर सकते हैं अभी और इसके फायदे क्या हैं। मैं अगर चैट बोटिंग एक रिसर्च की बात करूं तो जितनी भी वेबसाइट बनी है उनमें से 34% वेबसाइट्स आर डिफिकल्ट टू नेविगेट एंड 31% यूजर्स कैन नॉट फाइंड आंसर्स टू सिंपल क्वेश्चंस। बहुत सारी लीड्स को हम इसलिए लूज कर देते हैं क्योंकि समय पे रात को 11 बजे मेट्रो में चलते हुए एक आदमी के मन में आया कि उसको आपका प्रोडक्ट लेना है या कोई प्रोडक्ट लेना है, और उसने उसको गूगल किया, आप कहीं मिल गए वेबसाइट पर, आपको उन्होंने ईमेल डाला या मैसेज डाला, आप उसको अगले दिन तक नहीं खोलोगे। ऑब्वियस सी बात है, हम सो रहे हैं नहीं खोलेंगे। पर उस समय अगर किसी और कॉम्पिटिटर को उसने सर्च किया, प्रोडक्ट सर्च करेगा तो आप तो अकेले आओगे नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे, और उसको अगर उसने मैसेज भेज दिया और उनका बोटिंग उसको रिप्लाई करना शुरू कर देगा, तो रात को इस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में वो चार जवाब आ जाएंगे और कल सुबह हो सकता है या उस रात को वो ऑर्डर प्लेस कर दे, या कल सुबह आपका जब कस्टमर उसको रिप्लाई करे, उसका जब कस्टमर रिप्लाई करेगा जिस कॉम्पिटिटर के पास उसकी क्वेरी चली गई, तो वो वहां से लेगा आपकी बजाय, क्योंकि रात को उसको सेटिस्फेक्शन हो गया था, कुछ क्वेरीज रिप्लाई हो गई थी। ऐसे चांसेस हैं, जरूरी नहीं परचेज हो जाए, पर चांसेस हैं, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ आंसर्स एआई ने ऑटोमेटिक वहीं दे दिए थे। ठीक है, तो ऐसे करके अगर इंस्टेंट, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, जब जरूरत हुई तब माल अवेलेबल होना चाहिए, तो इसके लिए चैटबोटिंग बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी है, पर्सनलाइजेशन हो सकता है, यानी आप लोगों को उनका नाम लेके संबोधित कर सकता है आपका चैटबॉट। सोशल मीडिया और मैसेंजर्स पे ये बहुत काम आ रहा है, और ये कम्युनिकेट कर सकता है कस्टमर्स के साथ, आपके फ्रेंड नेटवर्क के साथ, और ये ऑटोमेट कर देता है ह्यूमन वर्क फ्लो को, रोज के रिपीटेटिव टास्क को शिफ्ट कर सकते हैं आप इस पे, और आप अपने सेल्स पीपल के वर्किंग आवर्स को कम कर सकते हो और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, और शॉपिंग और बुकिंग इससे बहुत इजी हो जाती है, एआई बेस्ड वर्किंग होती है इसकी, इजी टू यूज होता है। और ये कहाँ कहाँ काम कर सकता है, वेबसाइट पे चैटबोट होती है, व्हाट्सएप पे होता है और फेसबुक पे होता है, टेलीग्राम पर भी चैटबोटिंग होती है, रादर हम अभी उस रिसर्च में हैं, टेलीग्राम पर भी चैटबोटिंग होती है, अभी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल नहीं कर पाए अभी वहाँ, बट होती है, फेसबुक पर होती है, व्हाट्सएप पर होती है। तो आज हम व्हाट्सएप की चैटबोटिंग को समझते हैं।
हमारे पास दो ऑप्शन है इसको यूज करने के लिए, एक फ्री एप्लीकेशंस या थोड़े पैसे खर्च करने वाली एप्लीकेशन, और दूसरी है पेड एप्लीकेशंस, दैट इज थर्ड पार्टी एपीआई और उसके साथ बॉट प्लेटफॉर्म। अब ये थर्ड पार्टी एपीआई और बॉट प्लेटफॉर्म क्या है ये हम डिटेल में समझते हैं। पहले फ्री एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। फ्री एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या क्या एप्लीकेशन है, व्हाट्स बॉट प्लस एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डेमो फ्री है, और अगर आप इसे पेड वर्जन लेते हो, प्रीमियम वर्जन लेते हो, तो 39 USD का एक साल के लिए है। ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर WA, ये ऑटो रिप्लाइंग चैट बॉट है और ये आपके पास इसका ट्रायल वर्जन फ्री में अवेलेबल है, और इसका प्रीमियम वर्जन शायद इन्होंने 799 कर दिया आजकल, वो लाइफ टाइम है। और तीसरा, चलिए पहले इनको देख लेते हैं। आप अपने प्ले स्टोर पर सर्च करें, मैं भी अपना सिस्टम आपको दिखाता हूं। आप अपने सिस्टम पर ऑटो रिस्पॉन्डर डाउनलोड करें प्लीज, अपने प्ले स्टोर पर जाएं। ऑटो रिस्पॉन्डर, ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर WA, सर ये लाइफ टाइम फ्री वाला है या पेड वाला है? ये फ्री वर्जन भी लाइफ टाइम चलता है इसका, बट उसमें आप पूरी आपको उसमें लिवरेज नहीं मिलेगी। आप डाउनलोड करें, मेरे पास डिवाइस नॉट फाउंड, ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर WA डाउनलोड करें। मैं अपना सिस्टम ऑन कर रहा हूं, देखता हूं आपके साथ सर ये दोनों भी डाउनलोड करके रख सकते हैं क्या, ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर WA और व्हाट्सएप प्लस? नहीं, एक करो, कर सकते हो, एक अटैच करके देखो, अगर ऑटो रिस्पॉन्डर काम करता है आपके साथ तो वेल एंड गुड, नहीं करता मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे इसमें पहले से ऑटो रिस्पॉन्डर यूज हो रहा है आपका, व्हाट्सएप प्लस है लेकिन यूज नहीं कर रहा हूँ। नहीं अभी उनमें से कोई यूज हो रहा है आपका? नहीं मुझे मतलब पता भी नहीं है, वो मेरे इसमें था अभी देखा तो दिख रहा है। अच्छा तो मैं एक मिनट आपको करके दिखाऊंगा, मेरा सिस्टम ऑन कर रहा हूं, आप उसमें से हाँ, बाकी सब लोग प्लीज आप इंस्टॉल कर लें। मेरा सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पा रहा, एक्चुअली मिररिंग नहीं हो पा रही। ऑटो रिस्पॉन्डर को क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें और अपने हाथ में ले लें सिस्टम को, और अगर ऑटो रिस्पॉन्डर आपके पास है तो
प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर आप ढूंढ सकते हैं, दूसरी एक एप्लीकेशन है ऑटो रिप्लाई, ऑटो रिप्लाई। चार्जर दूसरा लग रहा है, काम नहीं करेगा। ऑटो रिप्लाई करके बहुत सारे नाम आ रहे हैं। एक मिनट, मैं प्ले स्टोर पर खुद भी जा रहा हूं। ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप लिखो, ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप में। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन आएंगे ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर WA, और एक आएगा आपके पास ग्रीन कलर में, उसमें डबल विंडो खुली, डबल विंडो होगी, ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप ऐसे लिख के आएगा। एप्स कीपर स्टूडियो का है, टीके स्टूडियो डाउनलोड हो रहा है सर। एक मिनट, ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप एप्स कीपर का है, टीके स्टूडियो का ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर WA है। हाँ डाउनलोड हो रहा है सर। यस प्लीज होने दो। इसके ऊपर ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर WA-ऑटो रिप्लाई। यस यस वही है वही। हाँ हाँ वही है, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन यस। चार्ट। हाँ तीसरा एक वॉट्स ऑटो है, वॉट्स ऑटो वो भी कर सकते हैं आप, तीनों में से कोई भी हो। हो गया, जी सर हो गया। हाँ कौन सा किया आपने? मेरे इसमें व्हाट्सएप ऑटो पहले से है और एक ये जो अभी जो आपने बोला वो अभी किया मैंने अपना ऑटो रिस्पॉन्डर। आपके पास जो व्हाट्स ऑटो है आप उसे ही ओपन कर लो पहले। तो ये अनइंस्टॉल करूँ ऑटो रिस्पॉन्डर? नहीं, पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ किया सर ओपन। हाँ सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग निर्मल जी, हो गया डाउनलोड सर आपका? जी सर, ऑटो रिस्पॉन्डर WA करके जो आपने बोला था वही डाउनलोड किया है काफी देर से। तो स्क्रीन उसका कुछ डिस्प्ले करता है मैसेज वगैरह लिखने के लिए, वो शायद जब आप बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। हाँ तो अब ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद अब यहाँ ऑटो रिप्लाई ऑन क्या आ रहा है लिख के आपके सिस्टम पे? सर फेस का बना हुआ एक और प्लस का नीचे ऑप्शन दिया, जब उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आगे क्वेश्चंस का मेन्यू है रिसीव्ड मैसेज में और ट्राई फॉर फ्री ऐसे करके। एक मिनट, जहां रिसीव आ रहा है ना लिख के जी, वहां पर हाय लिखो सर। या वहां मैंने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन पे हाय, एग्जैक्ट मीट और सिमिलरिटी मीट दो ऑप्शन दिया आपने नीचे। अब हाय लिखने के बाद नीचे जहां सिमिलरिटी मैच आ रहा है
वहां एग्जैक्ट और मैच सिमिलरिटी मैच में आप सिमिलरिटी मैच पर क्लिक कर दो। ठीक है सर। नीचे गए फिर रिप्लाई मैसेज आएगा नीचे, या रिप्लाई मैसेज में आंसर जो हम लिख सकते हैं वो डालेंगे। हाय नमस्ते कुछ भी आप जो भी लिखना चाहें उसमें लिख दो। हम भी हाय लिख सकते हैं, मतलब है हाय का मैसेज आया है। हाँ हाय का मैसेज, हाय का मैसेज, हेलो लिख सकते हो। ठीक है। और अब सबसे नीचे राइट साइड में एक छोटे से हरे गोले में एक राइट का निशान आ रहा होगा। जी जी सर। उस पर क्लिक कर दो। कलर कनेक्ट योर फ्रेंड्स, सी व्हाट्स योर मिस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट दे रहा बीच में ना काफी। हाँ वो एडवर्टाइजमेंट का ऊपर क्रॉस आ रहा होगा, हटा दो। हाँ जी, फील्ड इज रिक्वायर्ड, वापस ले गया मुझे उसी में। क्वेश्चन पे कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे ले गया तो डिफरेंट। हेलो, ये सब आपने कौन सा खोला है? ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप। एक मिनट यार सर। जी सर, जी सर, हुआ सर, हाय और हेलो। ओके, हो गया, मेरा भी हो गया। हो गया, अच्छा। अब मैं आपको निर्मल जी यहाँ से, किसी का माइक ओपन है प्लीज। निर्मल जी को मैंने यहाँ से हाय लिखा तो आपका मेरे को हेलो लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर मेरी क्वेरी एक्चुअली ये थी, पूछना इसलिए मैं चाह रहा था, मैंने नॉर्मल और बिजनेस दोनों वाले डाउनलोड किए हुए हैं इसमें। अच्छा, तो फिर लेकिन बिजनेस वाले को बहुत कम यूज कर रहा हूँ अभी फोन में। हाँ, तो क्या करना है आपको, अब ऑटो रिस्पोंडर में जाओ। जी जी। और ऑटो रिस्पोंडर में आपके पास जो तीन लाइन है, हॉरिजेंटल तीन लाइन लेफ्ट साइड में टॉप में होंगी जी, वहां जाकर आप क्लिक करोगे तो फिर वहां सेटिंग मिलेगी। जी सेटिंग में चले गए सर। ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद चूज एफवी मैसेंजर वर्जन आएगा। चूज डब्ल्यू वर्जन एनी लिखा हुआ जहाँ पे। हाँ हाँ, एनी लिखा है, उसकी उसके नीचे दो और आएंगे ऑप्शन, मल्टी यूजर सपोर्ट, कस्टम पैकेज नेम। नहीं नहीं, वर्जन ऑफ, हाँ जी, जहाँ भी वो चूज एफ चूज डब्ल्यू ए मैसेंजर कुछ लिखा हुआ है ना। जी जी, उस पर क्लिक कर दो। ओके या ठीक है सर, क्लिक किया। अब वो दो या तीन ऑप्शन पूछेगा। डब्ल्यू ए बिजनेस भी है, यस ठीक है। तो अब आप डब्ल्यू ए बिजनेस से यूज करना चाहते हो इसे तो बिजनेस को सेलेक्ट करो, और नॉर्मल से यूज करना चाहते हो तो नॉर्मल से सेलेक्ट करो। नॉर्मल वाला तो हेडिंग नहीं दिया, ऑफिशियल डब्ल्यू ए बिजनेस लिखा है, जीबी और कस्टम। हाँ, तो जो ऑफिशियल लिखा हुआ, मतलब ऑफिशियल अलग ऑप्शन है और डब्ल्यू अलग ऑप्शन है, आप ये कह रहे हो। जी 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 जी, चार ऑप्शन दिए वैसे एनी में, ऑफिशियल डब्ल्यू ए बिजनेस, जीबी डब्ल्यू ए लिखा एक जगह और एक जगह कस्टम लिखा है। तो जो आप नॉर्मल हम यूज करते हैं पर्सनल लेवल पे, जो लोग पहले भी यूज कर रहे थे, उसके लिए कौन सा चूज किया जाता है इस कैटेगरी में से? ऑफिशियल वर्ड चूज होगा उसके लिए या नॉर्मल वर्ड? नहीं लिखा एक्चुअली, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे। अब उसमें लिखा जाएगा, अगर बिजनेस को लेना चाहते हो तो बिजनेस को ले लो, और अदरवाइज आप जो है ये ले सकते हैं इसका ऑफिशियल वाला। सर मेरा नहीं हुआ, जरा वापस बताएंगे? सर मेरा हुआ नहीं। अच्छा, आप कौन से वाला कर रहे हो सर? सेम सेम, इन्होंने जो बोला वही। हाँ, तो आपने जो ओपन किया ऑटो रिस्पोंडर, तो सर ऑटो रिस्पोंडर में जाने के बाद ना वहाँ एक आएगा हाय लिख के, पहले तो स्क्रीन पर कुछ और लिख के आ रहा होगा, कुछ लिख के आ रहा है सर, क्या क्या आ रहा है? हाय और हेलो लिख के आ रहा है। हाय और हेलो लिख के आ रहा है ना जी। तो जहां ऊपर रिसीव मैसेज में हाय लिख के आ रहा है और नीचे हेलो, एक मिनट, आप ऊपर ऊपर मुझे पढ़ के बताओ सर क्या क्या लिख के आ रहा है आज मेरा सिस्टम। रिसीव में हाय लिख के आ रहा है और सेंड में हेलो लिख के आ रहा है। अच्छा, रिसीव में हाय और सेंड में हेलो लिख के आ रहा है, और फिर नीचे सेव कर दो उसको। कर दिया, वो सेव करने के बाद वो मेन स्क्रीन पे आ गया। मेन स्क्रीन पे आ गया। अब इसके वापस निकल के अब आप देखेंगे कि वहाँ ऑटो रिस्पोंडर डब्ल्यू ए लिखा हुआ है, वहाँ ग्रीन बटन है, उसे ऑन करना है। ऑन कर दिया सर वो। अब उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ है, बराबर है। वहां से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाना है, ओके। अब वहां पर आपके कितने व्हाट्सएप हैं? एक व्हाट्सएप है, दो व्हाट्सएप है?
सिस्टम पे कितने व्हाट्सएप यूज हो रहे हैं आपके में? मैं एक ही कर रहा हूँ, मैं एक ही कर रहा हूँ। थैंक यू सर। एक ही कर रहे हो तो एनी कर दो बस उसको सिर्फ। मैंने WA चूज किया था सर, उसने दिया जवाब मुझे हाय और हेलो में। कर दिया? जी 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 सर, थैंक यू सर। मैंने हाय किया आपको लिख के, मुझे नहीं दे रहा जवाब सर। वो वाले नंबर को चूज नहीं किया एक्चुअली मैंने ना। अच्छा। वो मेरा नॉर्मल में है और मेरा जो बिजनेस वाला नंबर है वो डिफरेंट था, तो मैंने खुद से अपने आप को मैसेज सेंड किया, मुझे आगे से जवाब आ गया उसमें। कर दिया सर, व्हाट्सएप बिजनेस कर दिया सर। जी जी कर दिया सर। अब आप बहुत बढ़िया, निर्मल जी का हो गया। चेतन जी आप देखो आपका भी होगा। हाई किया क्या सर? मैं आपको हाई लिख के भेजता हूँ, एक मिनट सर। मेरा तो वो डाउनलोड का वो ये चक्कर घूम रहा है अभी। डाउनलोड घूम रहा है आपका? शायद यहाँ पे इंटरनेट का तकलीफ होगा। हाँ हो सकता है इंटरनेट का हो सर। ये आपका ये मैंने ऑटो रिस्पोंडर WA में किया है, वो आपने बोला था उसमें नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों ही काम करेंगे। ऑटो रिस्पोंडर WA जनरल कभी कभी क्या करता है, जब दो फोन एक साथ यूज हो रहे हो एक सिस्टम पे तो ये काम नहीं करता। अच्छा। अभी मैंने आपको हाय लिख के भेजा है, हेलो भी लिख के भेजा है, पर मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो उसका मतलब गड़बड़ है, आपका ऑन नहीं हो रहा। एक सेकंड, नेटवर्क का भी इशू हो सकता है शायद। कोई बात नहीं, अगर आपका वो वाला नहीं हो रहा ना चेतन जी, तो आप अपना वो दूसरा वाला व्हाट्सएप तो ऑन कर लो सर। जी सर, क्वेरी ये है, जो व्हाट्सएप बिजनेस वाला मेरा नंबर जो आपके पास नहीं था, उसको मैंने चूज किया है, जो आपने सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया था नहीं, तो उसने जवाब दे दिया मुझे। अच्छा। अभी वहीं पे मैंने ऑप्शन चूज किया वापस ऑफिशियल, मुझे लगा मेरा प्राइमरी नंबर जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ शायद उसके लिए वो रिप्लाई करेगा, लेकिन उसके लिए उसने नहीं किया। अभी आया होगा सर आपका। रीजन यह तो नहीं है कि एक ही फोन में दोनों यूज हो रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा? हाँ, एक ही फोन में दो यूज हो रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम तो करता है वो। हाँ, तो ऑफिशियल मींस जो प्राइमरी नंबर है उसको नहीं कंसीडर किया उसने, और बिजनेस वाले को कर लिया है जो बिजनेस में कन्वर्ट किया हुआ मैंने। चेतन जी मुझे आपका आंसर आ गया है? यस सर। हाँ, मेरे को हाई के आंसर आ गए। अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम मल्टीपल आइटम्स बना सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स बनाने का मतलब है जो आपने ऑटो रिप्लाई खाली लिख रहा है वो, मतलब ओरिजिनल रिप्लाई नहीं डाल रहा है वो। अच्छा, ऑटो रिप्लाई लिख रहा है। ठीक है, एक बार आप वापस आई डालिए आपको दिखेगा। हम समझ में आ गया, वो बाय डिफॉल्ट उसमें ना एक मैसेज डाला हुआ है वो भेज रहा है वो। अच्छा हाँ, वो आपको चेंज करना पड़ेगा वहाँ। नहीं, आपका हाय आया, मेरा रिप्लाई नहीं जा रहा है। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा सर अभी। ऑटो रिप्लाई एक मिनट, आपके पास ऑटो रिप्लाई है ना सर? रिस्पोंडर वाला है अभी नहीं। आप ये ऑटो, ये जो आंसर आ रहा है मेरे को, ये तो ऑटो रिप्लाई से आ रहा है। ऑटो रिप्लाई से आ रहा है आपको? हाँ, ये रिस्पोंडर से नहीं है। तो वो ऑटो रिप्लाई सेट नहीं किया हुआ है अपना जो है ना। हाँ हाँ, वो सेटिंग नहीं किया हुआ है वो, अभी आप मतलब अपने रिस्पोंडर सेट किया ना, तो ये रिस्पोंडर से आंसर दे रहा है। नहीं, ये ऑटो रिप्लाई वाला, समझ गया मैं, ऑटो रिप्लाई अपना एक्चुअली सेटिंग ही नहीं है ना, तो इसलिए हेलो नहीं जा रहा है आपको। हाँ, इसलिए इशू होगा। और दोनों में से मैं एक फिर डिलीट कर दूं, कौन सा वाला डिलीट करूं सर? आप एक डिलीट करो इसमें से, अभी ये जो रिप्लाई आ रहा है ऑटो रिप्लाई से आ रहा है, तो ऑटो रिस्पोंडर को डिलीट करो, ऑटो रिप्लाई को चलने दो। एक मिनट, सर मैं भी कुछ बोल लूं? हाँ प्लीज। मैंने कहा मैं अपनी दुख पर ये सुनाता हूँ कि मैंने डाउनलोड तो कर दिया, तीनों कर दिए थे, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ तो वो जो
रेस्पॉन्डर को दबाने से वो मेरे से पूछता गेट स्टार्टेड, वो स्क्रीन आ रही है, तो उसके बाद आ रहा गेट स्टार्टेड और प्राइवेसी पॉलिसी और गेट योर कंटेंट। जो आप कह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आया कि किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो गेट स्टार्टेड से शुरू करूं, एक ग्रीन वो आई है बेस, उसके ऊपर लिखा है गेट स्टार्टेड, प्राइवेट पॉलिसी और गेट योर कंटेंट। एक सेकंड, यस प्लीज, हो गया? आप सर मेरे से पूछ रहे? यस यस, आपसे जी सर। मेरी जब मैंने प्रेस किया उसमें आ रहा गेट स्टार्टेड, प्राइवेट पॉलिसी और गेट योर कंटेंट। एक मैंने भी ऑन कर लिया, ऑटो रिस्पोंडर ही किया है ना आपने? हाँ जी मैंने किया, ऑटो रिप्लाई भी किया, ऑटो रिप्लाई फॉर WA और ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप और तीसरा एक और भी व्हाट्सएप का है। अच्छा, अब आप यूज कौन सा, मतलब आप दो फोन नंबर यूज कर रहे हो, दो व्हाट्सएप अकाउंट है आपके पास? नो, मेरा एक ही है जी। एक ही है तो बड़े आराम से आप ऑटो रिस्पोंडर को ऑन करो। देख, जब मैंने प्रेस किया तो एक स्क्रीन खुली जिसके ऊपर लिखा है गेट स्टार्टेड, प्राइवेट पॉलिसी, गेट योर कंटेंट। ऑटो रिस्पोंडर में? हाँ जी, जब मैंने उसको प्रेस किया तो उसके बाद में दिस इज ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप, उसको मैंने प्रेस किया। ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप, ऑटो रिस्पोंडर फॉर WA में तो नहीं आ रहा सर स्क्रीन में। इसमें आता है, ग्रीन स्क्रीन आई है। हाँ मैंने तीनों किए हैं, एक ऑटो रिस्पॉन्ड फॉर WA भी किया, ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप भी किया, ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्स किया। अच्छा, मुझे एक मिनट, आप अपना भेजेंगे सर, स्क्रीनशॉट भेज देंगे? अच्छा ठीक है सर, मैं भेजता हूँ सर। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट भेजो तो फिर मुझे पता चले। सर मेरा डाउनलोड हो गया है सर, ये ओपन किया हूँ मैं। तो कौन सा वाला किया सर? ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर व्हाट्सएप। करो ऑन करो से सर। हाँ किया सर, उसमें स्क्रीन में हूँ, प्लस सिंबल है। चेतन जी, हुआ आपका? सर मैं राह देख रहा था, आप उधर बता रहे थे ना, तो मैं इसमें कैसे करूं करके आप बताने के लिए राह देख रहा। अब आपने कौन सा चूज किया फाइनली? मेन स्क्रीन पे मेरा होम कांटेक्ट और स्टैटिक्स करके लिखे ला। अच्छा कोई भी, आपकी वॉइस मेरे को पूरी नहीं। एक पे करते हैं ना तो मतलब सबका सेम रहता है ना, कोई भी एक पे करते हैं। मैं ये एक चीज मतलब ये मैं भी ये अनइंस्टॉल करके रिस्पोंडर वाला ही रखूं? एक रख लो कोई भी, एक ही चीज का सबको ट्रेनिंग आए। हाँ हाँ, एक ही एक कर लो आप, ज्यादा बेटर है। ऑटो रिस्पोंडर पे काम करो जिसका सेम ही रखते हैं ना ये व्हाट्सएप रिस्पोंडर। नहीं, ऑटो रिस्पोंडर कई बार काम नहीं करता, तो एक बार अगर ऑटो रिस्पोंड नहीं काम कर रहा तो वो दूसरे काम करेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दो डाउनलोड कर लिए तो एक काम नहीं करे। जब तक आप सिस्टम में उसे ऑन नहीं करोगे तब तक वो आपके सिस्टम का एक्सेस नहीं लेता। स्क्रीन है ना जी? आज Hello? मेरा हाँ हाँ जी हाँ जी, प्लीज आ रही है सर? यस प्लीज आ रही है, आवाज आ रही है सर, बोले। हेलो
ये देखिए मेरा ये सामने का स्क्रीन पे ही आ रहा है। यस, ग्रुप में भेजा आपने, मुझे ग्रुप में भेजते जाओ, मैं आपको बताता चलूंगा। नहीं, ये पर्सनल में भेजा है मैंने गलती से। आ गया, हाँ, ऑटो रिप्लाई आ रहा है, तो आप इसी को रहने देना, मैं इसको सुबह आपको इसको वो करवा दूंगा सर। अच्छा, कल करवाएंगे? हाँ, मैं क्योंकि ये मुझे प्रोग्राम कराना पड़ेगा मेरे सिस्टम से देख के ना एक बार। ओके सर, ऑटो रिप्लाई, हाँ, तो बस आपका ऑन हो गया, ये बहुत है। अब ऑटो रिस्पोंडर आपने हटा दिया? हाँ, ऑटो रिस्पोंडर हटा दिया है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, नवीन कलरा जी, ये आपके पास है बिल्कुल ऑटो रिप्लाई? ये जो ऑटो रिप्लाई से ये ग्रीन वाला आया है? हाँ हाँ हाँ, ऑटो रिप्लाई ये काम करता है सर। अच्छा, इसके बाद से क्या करूं? एक मिनट, मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ मेरे पास, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है सर। हाँ, ताकि मैं उसी जगह पहुंच जाऊं। ऑटो रिप्लाई, सर माइक ओपन है आपका? नहीं। गाते अच्छा हो सर, मेरा स्विच ऑफ आ रहा है। साइलेंट क्या आपने? मैं देख रहा हूँ। यस सर, ऑटो रिप्लाई आपका अगर आपने ऑन कर लिया है तो आपको गेट स्टार्टेड प्राइवेट पॉलिसी आ रहा होगा, तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। सॉरी, मैं अब शुरू हो गया जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आई विल जस्ट गो टू द। अच्छा, ठीक है, तो वहां पॉलिसी और गेट स्टार्टेड आ गया होगा, गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करके ऑन करें। ये हो गया जी, इसमें बेस्ट एंड्रॉइड कंटेंट आ गया, ओनली टू स्टेप्स टू डाउनलोड। इसमें मोप प्लेनेट फिर ओपन लिखा हुआ। अब इसमें आपके सिस्टम का एक्सेस पूछा होगा, उसने नोटिफिकेशन एक्सेस अगर पूछा है तो ऑन कर देना वहां से। अभी तक कुछ नहीं पूछा सर, यही आया है, उसको प्रेस करने से जब मैंने ओपन किया तो गेट कंटेंट बेस्ट एंड्रॉइड कंटेंट ओनली टू स्टेप टू डाउनलोड मोपी प्लेनेट और नीचे सबसे ओपन। अच्छा, एक ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप मैंने ऑन कर दिया। अब ये एक मिनट, एक हेड देगा। हाँ, इनेबल ऑटो रिस्पोंडर आ रहा है ऊपर सबसे पहले, बस ये है बेस्ट एंड्रॉइड कंटेंट ओनली टू स्टेप्स टू डाउनलोड, फिर नीचे है मोबी प्लेनेट और सबसे नीचे लिखा ओपन। हाँ सर, वो तो कुछ और ऐड है, उस ऐड को क्रॉस करो, वहां से हटाओ, कहीं क्रॉस दिखाई दे रहा होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसके। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक है सर, आप लिखा है एनेबल ऑटो रिस्पोंडर, उसमें यस कर दिया। हाँ, एनेबल ऑटो रिस्पोंडर को यस करना है और कस्टम रिप्लाई को भी यस कर दो, उसमें भी। अच्छा, लाइक कर देता हूँ। अब नीचे हाय हाउ आर यू आ रहा होगा मैसेज, तो हाय को रहने दो, हाउ आर यू को डिलीट कर दो, सिर्फ हाय रहने दो, कॉमा भी हटा दो। हाँ जी, और नीचे आपने हेलो आई एम फाइन लिख के आ रहा है, हेलो आई एम फाइन लिख के आ रहा है ना सर? हाँ जी, हाय हो गया, ठीक है सर। अब इसको सेव कर दो। हाय, मैंने नीचे किया फिर, हाँ मैंने नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो।